So guys, welcome back to my new video. मैं अरविंद है, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स भाई साहब, आर माधवन सर इज बैक विद जबरदस्त एंड धमाकेदार धोखा। अब धोखे के अंदर क्या बोलूं, काफी सारे धोखे इसके अंदर मिले हैं भाई साहब, एक से बढ़कर एक धमाके, छोटे छोटे धमाके होते हैं एंड फाइनल क्लाइमेक्स काफी जबरदस्त। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करो, सीधा मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं, मूवी कैसी है भाई साहब। सबसे पहले एक कास्टिंग काफी जबरदस्त है। खुशाली कुमार इस लड़की ने बवाल कर दिया, लिटरली बोल रहा हूँ बवाल कर दिया, काफी जबरदस्त और फाड़ू परफॉर्मेंस। कहीं ना कहीं आप अगर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर में से अगर बोलोगे इस मूवी के अंदर, खुशाली कुमार इस लड़की ने एंड अपार शक्ति खुराना दोनों ने भाई साहब फाड़ डाला भाई, कहीं ना कहीं फाड़ डाला। आप इंजॉय करते हो यार, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त और चुम्मेश्वरी से ज्यादा है। काफी सारे चुम्मेश्वरी वाले सीन्स भी हैं, सो उसको थोड़ा सा अगर आप अवॉइड करोगे फैमिली के साथ तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर भी होगा। और अगर बात करते हैं स्टोरी भाई साहब, स्टोरी के बारे में क्या बोलना है यार, स्टोरी जैसा ट्रेलर के अंदर था वैसी स्टोरी कुछ ऐसी खास नहीं है जिसको देख करके आप बोलोगे, जिसको फील नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ फील करने लायक नहीं है। आप इंजॉय करते हो विदाउट एक्सपेक्टेशंस के साथ, जो आप इंजॉय करोगे, अगर एक्सपेक्टेशंस लेकर के जाओगे कुछ धमाकेदार मिलेगा तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी आप लेकर के आ सकते हो। काफी सारे यहाँ पे कंफ्यूजन है मूवी के इंटरवल से पहले, इंटरवल के बाद कंफ्यूजन क्लियर होने स्टार्ट होते हैं धीरे धीरे धीरे, बट फाइनल जो यहाँ पे रिजल्ट निकल करके आता है काफी सारे कन्फ्यूजन क्लियर भी होते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है स्टोरी के अंदर प्रॉपर भाई फिनिशिंग टच नहीं दिया गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन अभी भी आपके दिमाग में रहेगा अगर आप मूवी देख करके आओगे। काफी सारे छोटे छोटे धमाके किए गए, काफी सारे लाफ्टर के लिए कुछ चीजें डाली गई हैं भाई, और आजकल के फिलहाल के टाइम पे सिचुएशन के हिसाब से जो मीडिया की रियलिटी उसको भी थोड़ी सी दिखाई गई है। सो ओवरऑल मूवी अच्छी है, लेकिन ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ मत जाओ, इंजॉय करोगे लेकिन बहुत ज्यादा इंजॉय नहीं करोगे। सो अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली जाओ मूवी को एंजॉय करो। आर माधव ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है, दर्शन कुमार ने जबरदस्त परफॉर्म किया है, मतलब कास्टिंग काफी दमदार है, काफी अच्छी खासी। बस थोड़ी सी अगर स्टोरी और दमदार होती, स्क्रीन प्ले और टाइट होता, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी लेंथ अगर इसकी और कम होती, डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से मैं इसको एक पर्सनली कंसल्ट करता। बाकी आपका डिसीजन है, क्या लगता है मूवी देखना है कि नहीं देखना है, चॉइस करो और जाकर के एंजॉय करो। टिकट प्राइस आज काफी ज्यादा कम है, भी हो सकता है कल के दिन भाई धमाका हो सकता है, मिलते देखते हैं क्या कुछ होता है। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।